Thank mm -hmm. you. नमस्कार साथियों मैं हूं अनुराग मिश्रा आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से तो स्वागत करता हूं साथियों हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर है वो है आपका ट्वेंटी वो थर्टी थ्री ठीक है तो थर्टी थ्री चैप्टर है और क्लियर करते हैं इसमें हम क्या बात करने वाले हैं तो थर्टी थ्री चैप्टर का जो नाम है वो है आपका जलवायु विज्ञान या वायुमंडल के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान भाषा में समझ आने वाला ये टॉपिक है बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा बस आपको बैठे रहना होगा शांत और एक नोटबुक और पेन लेकर आपको नोट भी करते जाना है तो आपको पूरा आनंद भी आएगा और अच्छे से आप नोट भी बना सकेंगे तो वायुमंडल क्या होता है यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वायुमंडल की विशेषता के बारे में बात करने वाले हैं वायुमंडल का संगठन यानी कि कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फियर के बारे में बात करने वाले हैं वायुमंडल में कई गैसें मौजूद हैं इन गैसों के अलावा वायुमंडल में जल बाष्प तथा धूल की भी मौजूद है इनके बारे में बात करने वाले हैं वायुमंडल में मौजूद स्थाई गैसों की मात्रा के बारे में बात करने वाले हैं क्वांटिटी वो, वो, वो क्वांटिटी ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर के बारे में बात करने वाले हैं अब कौन कौन सी गैसें हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे जैसे कि आपका नाइट्रोजन हो गया ऑक्सीजन हो गया आर्गन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया न्योन हो गया हीलियम हो गया ओजोन हो गया हाइड्रोजन हो गया मीथेन हो गया जिनोन हो गया इन गैसों की कौन इन गैसों में कौन सी गैसें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और वो कौन से कार्ड हैं जिनके कार्ड ये हमें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं इनके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं ठीक है कौन सी गैसें हमें नुकसान पहुँचाती हैं कौन सी की कमी होने पर ये नुकसान हो सकता है कौन सी की बढ़ोतरी होने पर नुकसान हो सकता है इस तरह के भी पर टॉपिक क्लियर तो पूरा आनंद लेना है तो नोटबुक में शुरू है, तो करते हैं आपका चैप्टर नंबर थर्टी थ्री करते हैं जलवायु विज्ञान के बारे में इसमें हम जो मुख्य रूप से पढ़ेंगे इसको हम कह सकते हैं वायुमंडल के बारे में क्योंकि जो जलवायु वगैरह ये सब वायुमंडल से संबंधित है उससे जुड़ी हुई घटना है और उसी से जुड़ी हुई सारी प्रक्रियाएं हैं तो हम यहाँ पर जो अध्ययन करेंगे वो होगा वायुमंडल के बारे में मुख्य रूप से तो आइए समझते हैं वायुमंडल क्या है किस तरह से ये करता है कौन कौन से इसमें अंग हैं तो आइए देखते हैं वायुमंडल क्या है वायुमंडल एक प्रकार की गैस से बनी हुई चादर है जो कि कई सौ किलोमीटर की मोटाई में पृथ्वी के चारों ओर से पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए या कहें ढके हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं ये पृथ्वी है पृथ्वी के चारों ओर क्या है गैस से बना हुआ एक चादर है या एक पर्द है जो कि कई सौ किलोमीटर चौड़ाई में या कहें मोटाई में है ठीक है यह कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है क्या वायुमंडल जो है जो परत है वह कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण या पृथ्वी के आकर्षण बल कार के कारण पृथ्वी के चारों ओर टिका हुआ है यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का इस कारण वो जो वायुमंडलीय जो स्थिति स्थितिया जो गैसें हैं वो वायुमंडल है, यानी कि पृथ्वी के जो कच्चा है या पृथ्वी का जो क्षेत्र है उससे दूर नहीं जाने देते क्योंकि उसकी आकर्षण शक्ति अपनी ओर खींचती ही रहती है यानी कि अपनी ओर खींचती रहती है, इसलिए ये जो गैस वगैरह है ये वायुमंडल यानी कि पृथ्वी के चारों ओर बनी रहती है क्यों क्योंकि पृथ्वी का अपना खुद का क्या है गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ठीक है तो मैंने क्या बताया वायुमंडल एक प्रकार की गैस से बनी हुई एक चादर जो है जो कि कई सौ किलोमीटर की मोटाई में पृथ्वी के चारों ओर घेरे द... हुए या कर ढके हुए है कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण बल कार के कारण पृथ्वी के चारों ओर टिका हुआ है वायुमंडल की वजह से जो हमारा पृथ्वी है जो हमारा ग्रह है वायुमंडल की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है वायुमंडल न होता तो पृथ्वी पर जीवन का एक अंश या एक कण भी न होता यही एक कारण है कि वायुमंडल जो है हमारा पेड़ पौधों से लेकर यानी कि पेड़ पौधों के लिए तो जरूरी है ही यानी कि मैंने क्या बताया है? यही एक कारण है कि वायुमंडल पेड़ पौधों के साथ साथ सब जीव जंतु या कहें पेड़ पौधों के साथ साथ इंसानों के लिए भी बहुत ही आवश्यक या आप कहें मोस्ट 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 इतना कह सकें सबसे जरूरी आपका वायुमंडल ही है समझ आ गया यही कारण है कि वायुमंडल पेड़ पौधों के साथ साथ इंसानों के लिए भी बहुत जरूरी है वायुमंडल कई सौ किलोमीटर तक फैला हुआ है लेकिन वायुमंडल का द्रव्यमान का अगर बात कर लिया मैंने क्या बताया वायुमंडल है ऐसे करके ये पृथ्वी वाला जो क्षेत्र है ऐसे करके ऊपर की ओर जाएंगे यहां पर आप देख सकते हैं जैसे छो मंडल है समताप मंडल है मध्यमंडल है तापमंडल है बाहर मंडल है तो वायुमंडल का जितना भी भाग है जितनी भी उसकी मोटाई है उस मोटाई में जितना भी द्रव्यमान है उस सभी द्रव्यमान का 99% 30 परसेंट तीस से 32 किलोमीटर तक ही मौजूद है यानी कि ऐसे आप अंदाज लगा सकते हैं मैंने क्या बताया कि ये इस तरह से ऊपर से ले, नीचे आप मान लीजिए खड़े हुए हैं तो आप यहां पर आपका ये छो मंडल मान लीजिए शरीर का हिसाब मान लीजिए मंडल है समताप मंडल है मध्यमंडल है तापमंडल है ताप तो उसका यह कहना है कि जो पूरा शरीर का जो द्रव्यमान है उस पूरे शरीर के द्रव्यमान में जो तीस से बत्तीस किलोमीटर तक ऊंचाई तक जाएंगे तो बत्तीस 30 किलोमीटर 30 के बीच में जितना द्रव्यमान है पूरे वायुमंडल का कितना है 99 परसेंट बाकी का एक परसेंट है ऊपर चलते चले जाएंगे यह सारी बात की है तो आइए समझते हैं इनको तो वायुमंडल का संगठन या कंपोजिशन ऑफ एटमोसफियर के बारे में हम बात कर लेते हैं बहुत जरूरी है यहां पर छोटी छोटी चीजें हैं हम बिल्कुल क्लियर करेंगे किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रखेंगे ठीक है तो आइए समझते हैं वायुमंडल का संगठन है कंपोजिशन ऑफ द एटमोस्फियर तो वायुमंडल में कई सारी या कहें बहुत सारी गैसें मौजूद हैं इन गैसों के अलावा वायुमंडल में आपका जलवाष्प भी है धूल कड़ भी है और इस तरह की कई सारी चीजें मौजूद हैं मैंने क्या बताया वायुमंडल में गैसें तो मौजूद हैं साथ में गैसों के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प और

या हम कह सकते हैं सेवेंटी एट परसेंट भाग में फैला हुआ है इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आती है वो है आपकी ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन गैस जो है ट्वेंटी पॉइंट नाइनटी फोर परसेंट कुल वायुमंडल का द्रव्यमान घेरे गए घेरे हुए है यानी कि मोटा मोटी अगर हम इसको कहें तो मोटा मोटी या मोटा मोटा हम इसको कह सकते हैं मोटा मोटी हम इसको कहें तो कितना है 21 परसेंट समझ आ गया फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि जो वायुमंडल का कुल द्रव्यमान है उसमें नाइन सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन गैस है उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन गैस आती है यानी कि ऑक्सीजन गैस ट्वेंटी वन परसेंट घिरे हुए यानी कि दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं नाइन्टी वन और ट्वेंटी वन को तो सॉरी सेवेंटी एट और ट्वेंटी वन को तो पूरा जो द्रव्यमान निकलेगा लगभग लगभग नाइनटी नाइन परसेंट भाग आ जाएगा तो फिर से बोल दे रहा हूं तो इस तरह से नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों गैस मिलकर वायुमंडल का 99% आयतन या का नाइन्टी भाग घेरे हुए है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं इसी में तो वायुमंडल में मौजूद कुल गैसों की मात्रा को हम यहां पर देख लेते हैं फिर एक एक करके समझेंगे सबसे अधिक वाले ही देखेंगे सबसे अधिक जो है वो है नाइट्रोजन कितनी है 78.084 तो 084 भूल जाओ 78.4 याद रखने योग्य आंकड़ा है ठीक है दूसरे नंबर पर आती है आपकी ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन गैस की अगर मात्रा की बात की जाए तो ट्वेंटी बो, कुल इसमें है, तो इसको हम जो गैस है वो है आर्गन गैस यहां पर मैंने लिखी है जीरो पॉइंट नाइन थ्री परसेंट यानी मोटा मोटी हम इसको एक परसेंट मान सकते हैं तो सबसे अधिक है नाइट्रोजन दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन तीसरे नंबर पर आप ऑर्गन मान सकते हैं ठीक है इसके बाद चौथे नंबर की अगर बात कर ली जाए तो चौथे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण गैस जो है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा है 0.03 परसेंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है किसके लिए जीव जंतुओं पेड़ पौधों के लिए बहुत ही जरूरी है अगर कार्बन डाईऑक्साइड भी ना होता तो पृथ्वी पर भी जीवन संभव न हो पाता क्योंकि इसकी भी मात्रा कुछ हद हाँ तक जरूरी है वायुमंडल की चलिए समझ समझेंगे एक एक करके उसके बाद नियम की हमें यहां पर जरूरत नहीं फिर भी मैं बता दे रहा न्यून भी पाई जाती है हीलियम गैस भी है इसके बाद ओजोन भी है इसमें क्योंकि ओजोन आप सभी लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत जरूरी है ठीक है इसमें गैस पाई जाती है हाइड्रोजन गैस तो है, तो है, 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 है वो भी इत्तु सा या, पैसे बात याट तो सेवन परसेंट क्योंकि हमें यहाँ पर इसको याद नहीं रखना है इसलिए मैंने बोला हल्का सा है चलिए तो वायुमंडल में इन गैसों का अनुपात निश्चित नहीं पाया जाता लेकिन ऊंचाई पर जाने पर इनके अनुपात में अंतर पाया जाता है वायुमंडल के निचले स्तर पर भारी गैसे जैसे कि आपका नाइट्रोजन हो गया ऑक्सीजन हो गया सीओ टू हो गया जबकि ऊपरी परत में हल्की गैस हैं। जैसे कि हीलियम हो गया नियोन हो गया क्रिप्टॉन हो गया ठीक है तो इस तरह की जो गैसे हैं वो ऊपरी वायुमंडल में क्यों हल्की गैसे होंगी तो ऊपर रहेंगी और जो भारी गैसे होंगी वो भारी वजन के कारण वो नीचे रहेंगी मैंने यहां पर यह जो लेखा है एनओ टू एन टू मतलब नाइट्रोजन O2 मतलब ऑक्सीजन CO2 मतलब कार्बन डाइन ऑक्साइड ठीक है तो ये हो गई आपकी गैस है भारी और ये वाली हल्की गैस है चलिए आगे बात करते हैं इसी में सबसे पहले अगर कर, बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में नाइट्रोजन किस तरह से इंपॉर्टेंट है और क्यों जरूरी है हमारे वायुमंडल में तो यह गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है यह गैस जीव जंतुओं के लिए बहुत जरूरी या बहुत तो महत्वपूर्ण गैस है जीव जंतुओं को नाइट्रोजन जो होती है वो प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं करते यानी वायुमंडल में ये नहीं कि वायुमंडल में जैसे भूख लगी है हमें जरूरत पड़ी तो हमने थोड़ा सा उठाया और इस तरह से हमने जेब में रखा और घर पे जाके हम ऐसे करके खा रहे हैं यानी कि सीधी सी बात है प्रत्यक्ष रूप से हम उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से हम उसको कैसे ग्रहण करेंगे वो हम आगे बात करेंगे तो मैंने क्या बताया जीव जंतु नाइट्रोजन को अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं करते यह अमीनो का संगठक होता है यानी कौन सा जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में यहां पर हम ज्यादा घुसेंगे नहीं उसमें नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी यह अमीनो का संगठक होता है कि पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण करता है जो कि पेड़ पौधों में भोजन का एक प्रमुख अंग होता है समझा गया पेड़ पौधों में एक प्रमुख अंग होता है नाइट्रोजन वायुमंडल में चीजों को जलने से बचाती है यानी कि नाइट्रोजन जो होती है वो बहुत तेजी से आग पकड़ने वाली चीजों को क्या करती है उसमें कमी लाती है या कहीं कहीं आग जल रही है तो वहां पर नाइट्रोजन का भी जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आग जो है कम हो जाएगी या कहे बुझ जाएगी है वायुमंडल में 120 से लेकर 130 किलोमीटर तक यानी कि जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो 120 से लेकर 130 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है यह अन्य गैसों के साथ बहुत मुश्किल से मिलती है या कहीं क्रिया बहुत मुश्किल से करती है ठीक है चलिए दूसरे नंबर पर आती है ऑक्सीजन गैस बहुत इंपॉर्टेंट अगर ऑक्सीजन न होती ठीक है तो वो तो सब लोग आप जानते हैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा ऑक्सीजन के बारे में समझते हैं यह गैस सभी जीवों के लिए जीवन दायनी का कार्य करती है यानी यदि जी सभी जीवों के लिए जीव जंतु पेड़ पौधे यहां पर देख सकते हैं यहां पर पेड़ पौधे और यहां पर मनुष्य भी आप लोग यहां पर देख सकते हो तो पेड़ पौधे और जंतुओं के बारे में मैंने यहां पर डाल दिया है तो ऑक्सीजन यह गैस सभी सजीवों के लिए यानी कि जितने भी सजीव हैं जो सांस लेते हैं जो जीवित होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन जो है बहुत जरूरी होती है क्योंकि बिना ऑक्सीजन के पृथ्वी पर किसी भी जीव का अस्तित्व संभव ही नहीं होता इसके बिना हम सांस नहीं ले पाते जब सांस ही नहीं ले पाते तो हम निर्जीवों में आ जाते तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि सांस लेने वाले जो होते हैं वो जीवित कहलाते हैं और जो सांस नहीं लेते वो सजीव नहीं कहलाते यानी कि वो मृत कहलाते हैं समझा गया इसके बिना हम सांस नहीं लेते यह गैस रासायनिक दृष्टि से बहुत सक्रिय होती है इसलिए बहुत ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से अन्य तत्वों के साथ तुरंत मिली जाती है और जो ऑक्सीजन गैस है वह चीजों को जलाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है या कहें ऑक्सीजन न होती तो हम आग भी नहीं जला पाते समझा गया तो ऑक्सीजन क्या होता है सॉरी मैंने कहा था हाँ यह कार्बोहाइड्रेट बचा तथा प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कार्बोहाइड्रेट आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर मैंने कुछ डिजाइन बनाई है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के क्या स्रोत होते हैं और फैट्स के क्या स्रोत होते हैं इन सभी के लिए जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही इनके निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन को बनाते हैं हमेशा ध्यान रखें कि पौधे सांस किससे लेते हैं पौधे भी ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं यानी कि कभी कोई पूछा जाता है कि भैया जो पौधे होते हैं वो सांस लेते हैं काय की सांस लेते हैं पौधे भैया ऑक्सीजन ही लेते हैं लेकिन जब पौधे भोजन बना रहे होते हैं यानी कि जैसे मैं हूं मैं लेता ऑक्सीजन हूं लेकिन जब खाना बना रहा हूं अपने घर में चूल्हा जला के तो उस समय जितनी देर मैं खाना बना रहा हूं कि खाना पका रहा हूं खिचड़ी बनाना या पूड़ी बनाना सब्जी बनाना जितनी देर में भोजन बना रहा हूं उतनी देर ही मैं सीओ का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता हूं वो चलिए बाद में समझाऊंगा समझते हैं यहां पर मैंने क्या बताया पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन को बना हैं यह गैस अन्य गैसों के या अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है ऑक्सीजन के बिना किसी भी वस्तु को जलाया नहीं जा सकता यह गैस वायुमंडल में चौसठ किलोमीटर तक फैली हुई यानी नीचे से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो किलोमीटर क्षेत्र तक या चौसठ किलोमीटर की ऊंचाई तक यह वायुमंडल में फैली हुई है लेकिन चौसठ किलोमीटर तक फैली हुई है लेकिन जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे हमेशा ध्यान रखा करें। जब लेकिन शब्द आ जाता है तो वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से लोगों के हिसाब से नहीं मेरे हिसाब से उसमें कुछ राज छुपे होते हैं मैं जब लेकिन शब्द बोल दूँ समझ जाना कुछ स्पेशल होने वाला है चीज़ों के लिए यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ तो मैंने क्या बताया लेकिन जब नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो 16 किलोमीटर तक यानी कि मैंने क्या बताया वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस जो है एक किलोमीटर से लेकर चौसठ किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है लेकिन जो, जो सोलह किलोमीटर से ऊपर जाने पर इसकी मात्रा जो है काफी कम हो जाती है यानी कि बहुत अधिक मात्रा कब कहां तक बोलेंगे सोलह किलोमीटर तक इसकी मात्रा बहुत अधिक होगी उसके बाद इसकी स्थिति कम पर आ जाएगी चलिए उसके बाद बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में चलिए यह सबसे भारी गैस होती है यहां के हिसाब से सबसे भारी गैस है इस कार्य वायुमंडल की सबसे निचली परत में ही मिलती है वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बत्तीस किलोमीटर तक ही फैली हुई है लेकिन इसकी ज्यादातर मात्रा पृथ्वी के धरातल के पास ही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम ही लोग उत्सर्जित करते हैं वो सब लोग आप लोग जानते हैं किस तरह से उत्सर्जित किया जाता है वो अभी ये बात करेंगे मैंने क्या बताया वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड बत्तीस किलोमीटर है बत्तीस किलोमीटर कैसे नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो बत्तीस किलोमीटर तीस तीस के बाद टहलका एक दो किलोमीटर ऊपर ऊपर चले जाए तीस से बत्तीस किलोमीटर तक फैली हुई है लेकिन इसका ज्यादातर भाग जो है धरातल के पृथ्वी के धरातल के पास ही पाई जाती है वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत ही कम है यानी की जीरो पॉइंट जीरो थ्री होने के बावजूद यह बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं ये दो कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है कौन से कौन से दो कारण हैं आइए समझते हैं सबसे पहला कारण है कि जब कब जब भोजन बनाता है कौन पेड़ पौधे तो किसके द्वारा बनाते हैं इसके द्वारा ही सीओ टू के द्वारा तो आइए मैं यहां पर पढ़ देता हूं उसके बारे में समझा दूंगा यह गैस कौन सी पहला कारण यहां पर मैं बता रहा हूं यह गैस पेड़ पौधों के लिए बहुत ही जरूरी होती है जिस तरह से हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं या कहें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया को पूरा करते हैं यानी पौधे अपना जब भोजन बनाते हैं सीओ टू यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका लाइट यानी कि सनलाइट जिसको हम सूर्य की सूर्य का प्रकाश के साथ मिलकर ये क्या करते हैं भोजन बनाते हैं और जब ये भोजन बनाते हैं उस समय क्या करते हैं ये ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं वायुमंडल में लेकिन एक बात ध्यान रहे जितना जितना ये इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन जितना ये ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं उससे कम मात्रा में ये सी टू का निर्माण करते हैं क्योंकि अब ये मानोगे कि पेड़ जो है ऑक्सीजन पेड़ भी लेते हैं क्योंकि जितनी खाना बनाते हैं उतनी देरी तो वो आ, CO2 का इस्तेमाल करते हैं तो फिर बाकी समय में ये तो सारा चूस लेते होंगे ऐसा नहीं ये जितना बनाते हैं यानी कि जितना ये वो सॉरी जितना ये कार्बन डाई जितना ऑक्सीजन लेते हैं उससे बहुत कम मात्रा में ये CO2 छोड़ते हैं ये बनाते ऑक्सीजन का काफी जब खाना वगैरह बना रहे होते हैं तो ऑक्सीजन का निर्माण काफी मात्रा में करते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी जरूरी है ठीक है चलिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये डिजाइन बनाई है जैसे कि आपका लाइट जो है लाइट यानी कि सूरज की रोशनी आती है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोहाइड्रेट

सॉरी यह गैस सूर्य की विकिरणों को पृथ्वी पर प्रवेश करने देती है लेकिन पृथ्वी से टकराकर जब ये विकिरणें वापस जाती हैं तो उन्हें ये वापस नहीं जाने देती इसके कारण ही पृथ्वी जो है गर्म होती है जैसे ग्र... यही गैस जो गैस है यानी कि सी टू जो गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार मानी जाती है यही गैस वायुमंडल की निचली परत को गर्म करती है ये कारण जब जैव ईंधन यानी कि कोयला जलाते हैं डीजल का इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल को जलाते हैं तो वायुमंडल में सीओ टू की मात्रा में बढ़ोतरी होती है जिसके कारण वायुमंडल में तापमान में वृद्धि हो रही है वायुमंडल के इससे जो चीजें हैं वो काफी प्रभावित करती हैं इसको ही हम भूमंडलीय तापन कहते हैं इसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं तो आइए कि जो पृथ्वी लीजिए सूर्य की रोशनी सूर जब है पर तो प्रवेश कर जाती है ऐसे करके। लेकिन पृथ्वी पर टकराती है, है और पृथ्वी प्र, प्र, से टकरा कर जब ये उष्मा होती है या कहें जो गर्मी होती है जब पृथ्वी से वापस जा रही होती है तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको जाने नहीं देती यानी कि पृथ्वी को ये गर्म करने का कार्य करती है अगर सीओ टू न होता वायुमंडल में तो पृथ्वी ऐसे होती जैसे हर व्यक्ति की कुल्फी जम जाना समझ रहे वातावरण में, में सीओ टू न होता तो पृथ्वी भी गर्म न हो पाती ये वायुमंडल को गर्म करने में बहुत अधिक या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लेकिन सी की मात्रा भी ज़्यादा न हो पाए ये भी ध्यान रखें इसके लिए हम लोग अपना जो सी का जो उत्सर्जन करने वाली जो चीजें उनका प्रयोग कम करें लेकिन सोचते हैं भैया हम काय के लिए कर रहे हैं हमारी आने वाली पीढ़ी करेगी हम तब तक आनंद ले लेंगे जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा तो ये सोच के हिसाब से आगे यही चलता रहा आज से पचास साल पहले भी यही लोग सोचते थे कि भैया हमारी जिम्मेदारी नहीं है जब हमारी आएगी तब देख लेंगे हमें, जिन्ना है, हम कौन से याद रहेगा, हमें के है तो, बात बात तो, तो वायुमंडल तो में जो, CO2 है, वो जो तो वो ताप को क्या कर लेती है उस वायुमंडल को या पृथ्वी का जो क्षेत्र है उसको गर्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है चलिए समझते हैं ओजोन को ठीक तो समझते हैं यह गैस ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है यानी या कि ऑक्सीजन का विशेष रूप है परत पाई जाती है लेकिन वायुमंडल में थोड़ा ऊपर जाएंगे पैंतीस से पचास किलोमीटर के बीच में पहुंचेंगे तो इसकी जो मात्रा है वो बहुत कम हो जाती है यह गैस हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करती है क्योंकि यह गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण या हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है लेकिन 100% परसेंट नहीं सोखती 93 से लेकर 99% परसेंट तक सोख लेती है यह बात मानी जाती है ठीक है कौन सी हानिकारक विकरण किरणों को विकिरणों को ठीक है वायुमंडल में ओजोन की मात्रा कम हो जाए तो सूर्य की जो पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पहुंचती हैं और पहुंचकर स्किन कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बनती हैं। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली कुछ गैसें भी हैं, जिसमें आपका है कार्बन हेलोजोन्स नाइट्रोजन ऑक्साइड इस तरह के कुछ हैं, जो गैसें है जो की आपका ओजोन परत की आंखें हैं, ओजोन की जो गैस है उसको नुकसान पहुंचाती है लेकिन ध्यान रहे कार्बन डाइऑक्साइड आपका ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाता ये बात ध्यान रखी जाए ठीक है चलिए आगे बात करते हैं इसी में ही जलवास अ... के बारे में तो जलवाष्प जो है आपका वायुमंडल का ही अंग है वायुमंडल में इसकी मात्रा होती है कुछ कितनी मात्रा होती है आइए समझते हैं वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा है आप जलवाष्प मतलब पानी जो होता है गैस के रूप में उसको जलवास कह देते हैं तो वायुमंडल जलवाष्प की मात्रा चार जीरो से लेकर चार परसेंट तक हो सकती है यह भी सीओ टी की सीओ टू यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है यदि इसकी मात्रा अधिक हो जाए लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है कि कार्बन जो जलवाष्प है उसकी मात्रा अधिक हुई हो और ये वायुमंडल को नुकसान पहुंचाती हो अभी ऐसी स्थिति नहीं है ठीक है तो यह है भी मैंने क्या बताया हाँ पृथ्वी के धरातल से लेकर यानी कि पृथ्वी का धरातल कौन सा है ये पृथ्वी के धरातल से लेकर पांच किलोमी पांच किलोमीटर की कि ऊंचाई तक 90 परसेंट यानी कि 90 परसेंट जलवास मौजूद है यह पृथ्वी के लिए कंबल का काम करती है क्योंकि यह न तो पृथ्वी को ज्यादा गर्म होने देती है और ना ही पृथ्वी को ज्यादा ठंडा होने देती है जलवाष्प सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं यानी कि जो जलवास होती है सूर्य से जो किरणें आती हैं किरणें आने वाली कुछ किरणों को क्या करती है अवशोषित कर लेती है साथ ही जब सूर्य से कुछ किरणें आती हैं तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी से टकरा कर जब वापस जाती हैं सूर्य किरणें ऊपर की ओर जब जाती हैं वापस यानी है कि मान लीजिए ये पृथ्वी है पृथ्वी इस तरह से जब सूर्य किरणें यहाँ पर टकराती हैं और टकराने के बाद जब ये वापस जाती हैं तो क्या होता है ये इन किरणों को रोक लेती हैं इस जलवाष्प के कारण यानी जलवाष्प के कारण सभी प्रकार के संचलन सॉरी सभी प्रकार के संगनन तथा बर्सण का निर्माण होता है यानी कि जलवाष्प के कारण ही ओस बनती है बादल बनते हैं तुषार होता है बर्फ होता है वर्षा हो होती है ये सारी घटनाएं आपकी जलवाष्प के कारण ही होती हैं। अगर जलवाष्प न हो तो वर्षा भी न हो ठीक है तो मैंने क्या बताया जलवा पूरी पृथ्वी पर जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई जो चीजें हैं वो हर एक चीज सोच समझ के बनाई गई है उसकी मात्रा अपने हिसाब से लिमिटेड होती है यानी कि जितनी ज़रूरत है उतनी होती है लेकिन हम जो कीड़े हैं हम जो इंसान हैं वो उसमें हस्तक्षेप करते हैं यानी कि हम इतने अजीब तरह की प्रजाति हैं कि इस दुनिया में हर जानवर होता है चाहे वो कुत्ता ले लो सुअर ले लो कुछ भी हो कोई भी जो कीड़े मकोड़े कॉकरोच सांप जितने भी तरह के जितने भी तरह के आप सोच सकते हैं जितने भी तरह के जीव हैं इंसानों को छोड़कर वो अपनी जो पर्यावरण होता है अपना जो वो अपना पारिस्थितिक जो उनका तंत्र होता है उसको बिल्कुल संतुलित करके रखते हैं उसको बिल्कुल संतुलित करके रखते हैं लेकिन इंसान एक ऐसी प्रजाति है जो कि जिस जगह जाता है उस जगह का संतुलन क्या करता है ये बिगाड़ देता है वो इस तरह से करता है यानी कि उसका मैं बता भी चुका हूं कि वो जितनी उसको जरूरत है अगर उतना ले तो वहां से कभी कोई परेशानी ना हो लेकिन वो अपना गड्ढा नहीं भर पाता गड्ढा भरने के कारण वो गड्ढा दूसरी जगह कर देता अपना गड्ढा भरने के चक्कर में वो जमीन में गड्ढा कर देता है जब वो जमीन में गड्ढा कर देता है तो वहां पर आदमी गिरने लगता है यही एक कारण है कि पृथ्वी पर सबसे खतरनाक जो जीव है वो इंसानी है इस पृथ्वी को वही खा जाएगा और इस दुनिया में या इस पृथ्वी को कभी आज तक नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया अभी तभी से कब से चला आ रहा था कभी बताते हैं कि आज से बीस हजार या तीस हजार या दो लाख साल पहले ये जीवन हो गया था कि तीन करोड़ साल पहले की जीवन महसूस हुआ तब से जीवन आ गया यानी कि तब से चलता चला आया और जब से इंसान समझदार हुआ यानी कि इंसान जो समझदार हुआ उसने क्या किया जब से वो समझदार हुआ तब से वो पृथ्वी के वो पीछे पड़ गया आज से 20 साल बीस लाख साल पहले मान लो कि पृथ्वी बहुत नाटन थी एकदम एकदम मस्त रहती थी लेकिन जब ये प्रजाति समझदार हुई है तब से इसने खून चूसना शुरू कर दिया है चलो बाद में करेंगे बात किसी दिन ये सकते हैं ज्यादा गहराई में चला जाता हूं चलिए समझते हैं आइए धूलकड़ के बारे में समझते हैं वायुमंडल में धूल के कड़ भी मौजूद होते हैं जलवास भी जैसे मैंने बताया गैस भी बताई तो उसके बाद धूलकड़ भी होते हैं ये भी बहुत जरूरी होते हैं ठीक है तो वायुमंडल में धूल धूल के कड़ भी, भी मौजूद होते हैं जो कि छोटे छोड़, छोटे महीन कड़ होते हैं और ये कई सारे माध्यम से आते हैं जैसे कि मिट्टी से आते हैं आपका समुद्र में जो नमक होता है उसके कुछ कड़ हो जाते हैं धुएं की कालिख हो जाती है आपकी राख होती है उल्काएं जो होती हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल से गुजर जाती हैं उनकी जो मिट्टी हुई धूलकड़ होते हैं वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं समझ में आ गया कहाँ कहाँ से आते हैं महीन मिट्टी होती है धूल के कड़ आपके समुद्र के नमक से भी आ जाते हैं धूल की कड़ आपके धुएं के काले से भी बन जाते हैं राख से भी बन जाते हैं नमक के कड़ भी हो जाते हैं समझा गया चलिए तो ये धूल के कड़ वायुमंडल की निचली परत में पाए जाते हैं लेकिन कभी कभी क्या होती है ये संभिनी जो हवाएं होती हैं ये इनको काफी ऊंचाई तक उड़ाकर ले जाती हैं इनका महत्व तो क्या होता है उसको भी समझते हैं ये हमारे लिए क्या धूल कर जो होते हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये आद्रता गिराही का कार्य या कहें आद्रता गिराही के नाभिक के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि इनका जो ये कड़ होता है उस पर क्या होता है ये जो मिट्टी उड़ रही है ना मिट्टी जब उड़ रही है तो मिट्टी जब उड़ती है तो क्या होता है कि जलवास में जैसे मिट्टी जलवास वाले क्षेत्र में क्षेत्र में जाएगी तो उस पर क्या होगा मिट्टी के जो कड़ है या किसी भी तरह का जो कड़ है उस पर पानी का बूंद जो होगा या पानी होगा उससे सोख लेगा आइए इसको समझते हैं मैंने क्या बताया ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये आर्द्रता ग्राही नाभिका रूप ले लेते हैं यानी ये कण नमी को सोख लेते हैं और इनके ऊपर जल वाष्प का क्या होता है संगनन होता है इस संगनन की प्रक्रिया से बादलों का निर्माण होता है और फिर सभी लोग जानते हैं बादल का निर्माण होता है फिर बाद में पानी भी है ये सूर्य के ताप को रोकने तथा उसको परावर्तित करने का भी कार्य करते है। का है, 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 तो भी हैं यानी कि सूर्य धूल के कणों के ऊपर तो वो चमक, चमक उत्पन्न करते हैं तो उनको परावर्तित करके वापस भेजने का भी ये कार्य करते हैं समझा गया ये कण सूर्य के ताप को रोकने तथा उनको परावर्तित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं धूल के कणों की वजह से सूर्योदय का या कहें जब सूर्य निकलता है तथा सूर्यास्त के समय यानी कि जब सूर्य छुपता है यानी सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आसमान में लाल तथा नारंगी रंग की रोशनी पैदा करता है इससे आपकी धुंध बनती है इससे आपका कोहरा बनता है और भी कई तरह की इससे प्रक्रिया इससे क्रिया करके कई सारी चीजें बनती हैं धूल के कणों के कारण आसमान का जो रंग होता है वो हमें नीला दिखाई पड़ता है चलिए तो साथियों ये हो गए वायुमंडल के संगठन चलिए चलिए साथियों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं उम्मीद है आपको ये जो वीडियो हुए हैं वो पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से आनंद लेते रहें और आप लोगों को थोड़ी सी बात फिर से कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो आप नोटबुक में नोट करना न भूलें बिल्कुल भी न भूलें क्योंकि अगर आप नहीं बनाएंगे नोट तो आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं अगली वीडियो मिलता हूँ तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद बंदे मातरम